एक 90 सेंटीमीटर भारी एक समान विभिन्न ऊंचाई की दो खूंटियों पर लटकी हुई है। जो डोरी है वो 90 सेंटीमीटर की है, ठीक है। लटकने वाले भाग की लंबाई क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 33 सेंटीमीटर है। सिद्ध कीजिए कि कैटरनरी का शीर्ष कुल रस्सी को 4:5 में विभाजित करता है तथा तो खूंटियों के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए जो सिचुएशन है वो क्या है, एक कुटी है और एक कुटी है, दोनों बराबर नहीं है, दोनों कुटियां बराबर नहीं है। दिया हुआ है कि उनकी ऊंचाइयां क्रमशः 30 और 33 अलग अलग दी गई है, ठीक है। तो इसको मिला दें, ये देखो, और ये डोरी यहाँ पे टिकी हुई है, ये डोरी यहाँ पे टिकी हुई, ठीक है। ये डोरी यहाँ पे कैसे टिकी हुई है, क्योंकि दी हुई है कि 33-30 सेंटीमीटर, तो ऐसे कैसे दी हुई होगी, उसी डोरी की लंबाई दे रखी है, जो लटकने वाला भाग है उसी डोरी की लंबाई दे रखी है। तो ये मान लीजिए ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ये जो है वो 30 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक ए बी 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और बी क्यू जो है वो 33 सेंटीमीटर है, ये जो है वो सी है, ठीक है। और ये वाला भाग है वो S1 है और ये S2 है। अब देखिए, अब होगी तो जो कैटेगरी होती है वो सिमेट्रिक होती है, तो फिर S1 प्लस S2 क्यों हो गया। देखिए ये अगर ये वाला पॉइंट इसी की समान स्तर में होता, मतलब इस जगह होता, तो S1 प्लस S2 हो जाता। लेकिन अब पता नहीं S1 बड़ा है या S2 बड़ा है, लेकिन इनसे एक डिफरेंट है दूसरे, इसलिए S1 प्लस S2। और कैटरनरी का सेल्स कुल रस्सी को 4:5 में विभाजित करता है। कहने का मतलब है कि ये जो पॉइंट है वो इस वाली रस्सी, ये यहाँ से लेके और यहाँ तक, और ये इस वाली रस्सी को 4:5 में विभाजित करता है। तो दोनों रस्सियों को भाग करना है अपने, इसको ओ पॉइंट दे देते हैं। देखें सबसे पहले देखें सॉल्यूशन, देखिए कुल रस्सी की लंबाई कितनी, एफ पी प्लस एओ प्लस बी ओ प्लस बी क्यू बराबर 90 सेंटीमीटर, इतनी है। एफ पी और बी क्यू को मान देखो 30, ए प्लस बी ओ प्लस, एक मिनट बिंदु रखें इसका मान है S1 प्लस S2 प्लस 90। अगर करें तो S1 प्लस S2 का मान आ गया 27, ठीक है। कि ये जो S1 प्लस S2 है वो 27 सेंटीमीटर, ठीक है, हो गई। अब देखें, अब एट पॉइंट ए, बिंदु ए पर ये वाली जो इक्वेशन है वो कैसे कवर करेगी देखना। वाई का मान कितना, 30 सेंटीमीटर, ठीक है, 30 सेंटीमीटर बराबर सी सी प्लस S2। इसी प्रकार एट पॉइंट है बी, बी पर वाई का मान कितना, 33 सी स्क्वायर प्लस S2 3। अब देखिए 3 माइनस 2 पर, 3 में से 2 घटाएंगे तो ये 33, 1089 आएगा। 33 को करेंगे तो 1089 माइनस 30 को करेंगे तो 900, सी से सी कट जाएगा और यह जाएगा S2 स्क्वायर S1 स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 189। तो S2 माइनस S1 S2 प्लस S1 बराबर 189। S1 प्लस S2 का मान कितना है, 27, याद रख दें ये वैल्यू 27। तो S2 माइनस S1 का मान कितना आ जाएगा, काटें इसको तो ये आ जाएगा कितना, देखें 189/27,
21, 3 और 7, एस टू माइनस एस वन की वैल्यू आ गई 7, कितने आ गए 7, इसको देते हैं समीकरण नंबर 4। अब देखिए एक बाय चार से लिख देना यहाँ पे, एक बाय चार से ये एक नंबर है, रख दें एस टू प्लस एस टू माइनस एस वन बराबर 7, जोड़ने पर ये देखें एस वन प्लस यहाँ पे नेगेटिव थी तो कट जाएंगी, और एस टू एस टू पॉजिटिव है तो टू एस टू 27 और 7 34। अगर आपको ऐसे काटने में दिक्कत हो रही है तो आप एस वन को पहले लिख सकते हो, एस टू को ठीक एस टू के नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। और एस टू का मान आ गया 17 सेंटीमीटर, एस टू का 17 आ गया तो एस वन की वैल्यू कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। अब देखिए सब आ गया, अब यहाँ से देखिए ये वाली रस्सी यानी कि ए ए पी ओ रस्सी ए ओ प्लस एपी ए ओ अपॉन एपी अपॉन रस्सी बी ओ प्लस बी क्यू। देखें ए ओ का मान कितना 30, एपी एस पर कितना 10 सेंटीमीटर, और ये 33 प्लस 17 कितना होगा 40 अपॉन 50 काट दिया तो 4/5 यानी कि 4:5। ये तो हो गया यहाँ तक का क्वेश्चन। सो अब देखें तथा खूंटियों के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए, खूंटियों के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखें ये दूरी मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक कि x1 है और ये x2 है, तो देखें x बराबर c cos h s upon c, ठीक है। तो यही लगाएंगे एट पॉइंट किस पे a पर, ठीक है a पर लगेंगे। तो इसके लिए अपन को c की वैल्यू चाहिए, x1 है तो c की वैल्यू चाहिए। एक मिनट, अगर अपन c की वैल्यू निकालें तो c की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे अपन, अपन देखो इक्वेशन नंबर 2 याद करो, 30 का स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस एस वन स्क्वायर, एस वन का मान कितना 10, तो यहाँ पर रखें 10 का स्क्वायर तो सी का मान आ जाएगा 20√2। यहाँ पर एट द पॉइंट ए एक्स वन जो है वो सी एन 20√2 कोस एक एच एस एस यानी एस वन एट पॉइंट ए एस वन, एस वन की वैल्यू कितनी 10, ठीक है एस वन अपॉन एस सी एट पॉइंट बी, एक्स टू बराबर 20√2 कोस एच वही एस टू 17 अपॉन 20√2। ये जो वैल्यू है एक्स तो और जो टोटल दूरी है कितनी हो जाएगी, हो जाएगी एक्स वन प्लस एक्स टू, एक्स वन प्लस एक्स टू तो 20√2 ब्रैकेट कोस एच ये हो जाएंगे कितने 1/√2 प्लस कोस 17√2 अपॉन 20 ये हो जाएंगे इसके एन स्क्वायर, ये हो जाएंगे इसके एन स्क्वायर एक्स सी कोस एच वाई अपॉन सी होता है, वाई अपॉन सी होता है सॉरी ये होता है वाई अपॉन सी, क्या होता है वाई अपॉन सी, वाई अपॉन सी। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वाई की वैल्यू आएंगी, वाई वाई की वैल्यू आएंगी, ठीक है। तो वाई तो वाई की वैल्यू कितनी 30, ठीक है 20√2 10 से 3 बटा 2 यह देखिए 33√2 तो x1 प्लस x2 देखें
ये वाई होता है, ठीक है, ध्यान रख लेना, उस साइन में होता है तो ऐसा आता है, ठीक है, एक्स वन प्लस एक्स टू तो जरा 20 रूट दो कोस एच 3 बटा रूट दो प्लस कोस एच 33 रूट दो, ठीक, ये तो हो गया एक ये वाला, ठीक है, एक्स वन प्लस एक्स टू सब पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरा तरीका, इसकी मध्य दूरी निकालने का दूसरा तरीका, आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं x बराबर log c log x sin प्लस tan sin, यहाँ मान लेते हैं कि ये जो एंगल जनरेट करती है यहाँ से इस पर से वो साइन करती है, तो वो वाली भी साइन करती है, ये वाली साइन वाली करती है, वो साइन टू कर सकती है, तो x1 और x2 का मान निकाल सकते हैं। तो ये इन दोनों इक्वेशनों से भी मान निकल सकता है, आप इजीली फॉर्म कर सकते हैं और इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, तो वैल्यू है 20 रूट दो लॉग 2 आएगी इससे, ठीक है, दोनों एक ही बात है, आप निकाल सकते हैं इससे भी क्वेश्चन है।